भरत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भरत झोली मेरी या मोहम्मद भरत झोली भरत झोली भरत झोली तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्थान से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांग Thanks for what? Oh, thanks. You better be. तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा project miss किया. Thanks. What do you mean thanks? Crazy हो? झूठ नहीं बोल रहा मैं सच कह रहा हूँ. बहुत बड़ा project था. Thanks. वाकई पागल हो बस. क्या thanks thanks की रट लगाई हुई है तुमने? कुछ और भी बोलो. दिल चाह रहा. अरे, oh, horse riding. चलो करते हैं. पागल हो गई हो तुम? क्या? बड़ी हो गई हो? क्या बचपन है भाई? चलो ना कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए नहीं मुझे बच्चा नहीं बनना मेरे साथ तो भाई धोखा हो गया बच्चा बन जाना चाहिए तुम्हें पता है ना कि मेरा बचपन आम बच्चों जैसा नहीं गुजरा और मैं तो अपने बचपन को याद भी नहीं करना चाहता पता नहीं वो बचपन था या क्या था उस बारे में सोचना नहीं चाहता अच्छा चलो हॉर्स राइडिंग तो करें चलो इदरीस भाई नींद आ गई कसम से यार इदरीस भाई ये इधर से कुछ ड्राई सी हो रही है क्रीम क्रीम बताओ आ साकी भाई इतनी स्किन है कसम अल्लाह पाक की अब क्या जान लोगे मतलब पानी वानी पी लिया करो उससे जरा जिल्द नरम भी रहती है और खुश्की भी नहीं रहती हाँ कह तो सही रहे हो यार पानी वाकई नहीं पी रहा घर में इतने मसले हो तो पानी कहाँ मिलता है यार अरे साकी भाई खैरियत तो है ना क्या मसला मसला हो गया तो ये एक मसला हजारों मसले भैया लंबी दासान है चाय मंगवाओ ये लो साकी भाई तुमने बड़ी बात की अबे मुन्नी जी साहब चल जाकर जान मोहम्मद के यहाँ से कड़क दूध पत्ती की चैन लेकर आ अब बात सुन रास्ते में रुक जाइए वो अपनी छोटी छोटी क्षमा के पास तेरी जान ले लूंगा कसम अल्लाह पाक की मैं है अबे अभी जमीन तो होगा नहीं है और चला इस माश को जानने क्षमा की तो मंगनी हो गई है साहब जिंदगी बर्बाद हो गई है चल चल बेगैरत जा जाके चैनिक लेकर आ लाता हूँ हाय इदरीस भाई ये मोहब्बत ही जो है जो इंसान को तबाह कर देती है <laughs>
कितना अच्छा ना ये सब, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे दरार, बहुत अच्छा। वैसे यहाँ के लोगों के चेहरों को कभी गौर से देखा तुमने? कितने पुरसकून है ना, कोई परेशानी नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई घबराहट नहीं। हम लोगों की तरह तो नहीं है ना, और वो खुश रहते हैं। वैसे एक सीक्रेट कन्फेशन भी है। क्या? जेलस भी हो गया इन लोगों से। हम शहरी लोग कितनी जल्दी जेलस हो जाते हैं ना। आइडिया। व्हाट? रेस लगाते हैं। Oh please, you can't be serious. फिर बच्चों वाली बात, no no no. Please. No. क्योंकि तुम हार जाओगे. Really? मैं फिर भी नहीं लगाऊंगा ये. ठीक है, फिर मैं अकेली चली जाती हूँ. Listen, रेस लगानी है. सोच लो, ज़्यादा दूर तक साथ नहीं दे सकूँगा मैं. Thanks. Oh, not again, please. Chalo, ready? Okay. Okay. One. Yeah. Tum thoda aage khadi ho jao because I'm going to, you know. Chalo. One, two, and go. What the hell was that? Acha, 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 acha. Main nahi lagani hai tumhare saath. Aa na. क्या हो गया आदिला? क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी। मेरे अल्लाह, जरा सा हाथ जल गया है। मना भी किया था ना तुझे कि ना कर कोई काम, छोड़ दे। मैं नहीं करूंगी तो सारा काम आप पे आ जाएगा ना। तू लाख जतन कर ले आदिला, जो खारी मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे उठानी ही पड़ेगी। कैसी बहू मिली है, सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। नहीं अम्मी, कहाँ जाती है अभी? पहली बार तो गई है इतने अरसे के बाद अपने हनीमून पे। अरे आग लगे ऐसे हनीमून को, सब अय्याशी के बहाने हैं, कुछ नहीं है। और अच्छा खासा था मेरा समीर, पता नहीं किन कामों में लगा दिया उसे। घर वालों का तो कोई होश ही नहीं है अब उसे। अदीला, अदीला किधर मर गई यार? चल जा, पूछ जा के क्या कह रहे। अम्मी मैं ही पहले साफ कर लूँ ना। रहने देना, मैं कर लूंगी। जा जा, फिर चीखेगा। जा कैसी बातें कह रहे हो समीर, वो हमारी फैमिली है। तुम्हारी तो अब बने हैं ना, मेरी तो हमेशा से है। तुम भी वहां जाके वैसी हो जाओगी, उनकी खिदमत गुजार बहू, और मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं रहेगा, भूल ही जाती है मुझे। उनकी खिदमत इसलिए करती हूँ कि वो तुम्हारे अपने और मेरा उनसे यही रिश्ता है ना। शादी से पहले भी सबके वही प्रॉब्लम्स थे, कभी अम्मी बीमार, कभी नवीद के फीस के प्रॉब्लम्स, कभी अदीला बजी की टेंशन, कभी उनके निकम्मे शोहर के फसाद। मेरा तो कभी किसी को ख्याल नहीं है, हमेशा इग्नोर ही होता आया हूँ। मेरे खाते में तो बस जिम्मेदारियाँ ही आई हैं। तुम खामखा छेड़े हो, सब तो हर वक्त समीर समीर कर रहे होते हैं। हाँ कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ पैसों और अपनी फरमाइशों के। ऐसी बात नहीं है, घर के बड़े हो, तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और फिर जॉइंट फैमिली में तो ये सब चलता ही रहता है। हाँ तो इसीलिए तो मैं अलहदा रहना चाहता हूँ। चलो पैसों का सिलसिला तो चलता रहेगा जब तक वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, लेकिन इस माहौल से मुझे निकलने की जरूरत है ताकि सुकून का सांस तो आ सके ना मुझे। इसीलिए मैंने शादी की थी, ताकि मेरा कोई ख्याल रखने वाला। और मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी उस माहौल में जाके वैसी बन जाएगी और नौकरानी बन जाएगी। ओफ सीरियसली, तुम्हारे जैसे जो आदमी होते ना वो फूट डालते हैं सास और बहू, और बुरी कौन बन जाती है? बेचारी औरतें। अच्छा बेचारी औरतें। हाँ क्या देख रही हो ऐसे?
यार वैसे बीवियों को कसम से इतना ना हासिल नहीं होना चाहिए। और शौहर को कैसा होना चाहिए? यार लेक्चर ना दो प्लीज। अकनवाज की दुकान पे गया था फेशियल करवाने, कह रहे थे कि ड्राइनेस से हो रही है ना देखो यहाँ पे, है ना? कुछ घर की भी फिक्र कर लिया करो साकेत, तुम बच्चे नहीं हो, हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। मेरी क्या जरूरत है, मैं किस तरह जिंदगी गुजार रही हूँ कभी सोचा तुम? बोलो, कभी सोचा है तुमने? बोलो। जैसा मनहूस चेहरा वैसी मनहूस बातें। बहुत कुछ सोच रहा हूँ दीदा बीबी, इस वक्त आने पर तलाक की धमकी ना देना सर। मारे होते हुए भी कौन सा सुख मिला है मुझे जो इस बात से डर जाऊंगी? अच्छा खैर, 2000 रुपए चाहिए मुझे। वो दस बेला पे तिल्ले काम वाली गोल्डन सैंडल आई हुई बड़ी शानदार, बोल। पुरानी हो गई है ये, क्या देख रही है? पैसे आएंगे वापस कर दूंगा मैं तुम्हें। नहीं है मेरे पास एक चवन्नी भी, खुदा की कसम नहीं है। ड्रामे बंद करो क्या तुम? एक काम कहा था खुद ही कर लूंगा यार मैं, मोहताज नहीं हूं मैं के। अच्छा चलो तुम लोग जाओ, मैं गिफ्ट लेके आती तुम्हारी। ठीक है। क्या बच्चों के सामने शुरू हो जाते हो तुम, फील करते होंगे वो? हाँ तो इनको पता चलना चाहिए ना कि इनके अब्बा जान की फितरत कैसी है। समीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, बड़े दिन लगा दिए बेटा। कैसा रहा सफर है? सफर तो बिल्कुल ठीक था। अब नबीद कहाँ पर है? गाड़ी भी नहीं खड़ी हुई, हमें पिक ही कर लेता है एयरपोर्ट से। पेपर है सपली का, उसका दोस्त के यहाँ पढ़ने गया है। मैंने तो कहा था एयरपोर्ट पे चला जाए, जाल है मेरी सुन ले। पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं, अल्लाह खैर करे। इसके हमेशा पेपर से होते रहते हैं, कभी पास भी हुआ है कि नहीं? पता नहीं गाड़ी लेके कहाँ पर आवारा गर्दियां करता फिर रहा होगा। पिछली दफा भी मार लाया था ना मेरी गाड़ी। अब मुझे ये बताएं कि आपने उसको चाबी क्यों दी? अरे मेरी सुनता कौन है इस घर में, उसे देख लो शाजिया को, सारा सारा दिन कमरे में घुसी रहती है। मजाल है जो निकल के किसी काम को हाथ लगा ले। आप उस पर ना नजर रखा करें, जब से मैंने उसे लैपटॉप लेके दिया कमरे से बाहर नहीं निकलती है। अब देखिए हम दोनों आए, इतनी तौफीक नहीं हुई कि भाई भाभी आए हैं, आके सलाम ही कर ले। अच्छा बस, खैर अम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कमजोर हो गई है, सब ठीक है? जिस माँ के बच्चे ऐसे बदनसीब हों वो और कैसी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी होना है, तुम लोग तो अपना घूमने फिरने चले गए, पीछे से नवीद बहनोई के साथ उलझ पड़ा था। 4 दिन साकिब घर नहीं आया, आज ही सुबह वापस आया है। हाँ तो ये कौन सी नई बात है, उन्हें तो नाराज होने का बहाना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के सर पे थोप कर भाग जाने की पुरानी आदत है उनकी। सरदर्द हो गया, शाजिया से कहें चाय लेकर आए मेरे लिए। मैं बना कर देती हूँ। नहीं आप बैठे, मैं बना देती हूँ। तुम इसके साथ बैठो, इसका दिल बहल जाएगा। अरे मामी ये बैग खोले, इसमें क्या है? अच्छा अच्छा चलो। क्यों तुम कर रहे हो मनाने को? कोई बात नहीं, चलो मैं टॉयज दूँ, आज चाय बना दूँ। चाय मेरे कमरे में भिजवा देना सर। हाँ हाँ आप कहाँ बैठोगे तो माँ की बात सुनने के लिए।
घर वालों की बातों से उकताओगे ही तुम। बीवी जो आ गई है तुम्हारा जी बहलाने को, अब हमारा ख्याल कहाँ होगा तुम्हें? हेलो मम्मी, रिदा कहाँ गए सारे? कहीं मम्मी की एंटी डिप्रेसेंट्स आके सो तो नहीं गए? रिदा नहीं तो किस बात कर रही हो फजूल की? पागल हो गए हो क्या? चलो सही है, ठीक है ठीक है, सोचती हूँ मैं यार। ठीक है सही है, और चलो ठीक है शाम में। हाँ ओके, यहाँ बैठी है मारा। कॉल करती हूँ दिन ब दिन बिल्कुल मम्मी की कॉपी बनती जा रही हो। मैं और मम्मी, फॉर गॉड से प्लीज, बल्कि तुम मम्मी की तरह सुस्त होती जा रही हो रोज बरोज। जालिम आप ही, मेरी मामा के लिए कुछ नहीं बोलना। जालिम और मैं हूँ, जालिम ना होना तो तुम्हारे कान ना मैं मुड़ूं। अच्छा फिर तो आपसे कान खिंचवाने में बहुत मजा आएगा मुझे, पहनों में इतना तो चलता है ना। अच्छा अभी आप सब छोड़े ना, और मुझे ये बताए हाउ वाज योर ट्रिप, कोई कुछ कभी लेके आई है? तुम जो हो मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी गुड न्यूज। गुड न्यूज किसका फोन आ रहा है इस टाइम पे? एक मिनट, रजी हेलो, मैं बस आप ही से कान खिंचवा रही थी। इंजन आपको भी बुला लीजिए, इनके कान भी मरोड़ देती हूँ मैं। सुना आप ही आज बहुत जालिम मूड में, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और बताएं। वैसे मैं सोची मैं तुम्हारा कुछ मुस्तकिल इलाज कर दूँ, सोची कि तुम्हारी बात इस दफा पक्की करवा की जाऊँ। ये खुफिया मुलाकातें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप ही अब मुझे क्यों तंग करती रहती है? मार खाऊंगी। अच्छा चलिए आज अब आप नीचे चलते हैं, कुछ रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं। रेस्ट करते हैं चलो। समीर वो तुम उस दिन सच कह रहे थे कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए? हाँ। मतलब तुम्हें बच्चे पसंद ही नहीं है? इसमें पसंद ना पसंद वाली क्या बात? तो और क्या बात है? मेरे ख्याल में वक्त वक्त की बात है। ऐसे हैरत से क्या देख रही हो मुझे? तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं जल्लाद या कोई बेहिस टाइप का आदमी, जैसे बच्चे ना पसंद। देखो मेरी बात सुनो, वक्त जो है ना वो बदल चुका है, अब लोग बच्चे प्लान करते हैं, इस तरह रैंडमली आप फैमिली स्टार्ट नहीं कर लेते हैं, पहले सेटल तो हो जाए लाइफ में एक बार। समीर अल्लाह का शुक्र है हम कोई गए गुजरे तो नहीं है ना, अच्छे खासे वेल सेटल्ड है। अच्छा मैंने कह दिया ना यार मुझे बच्चे नहीं पसंद तो बस फिर नहीं पसंद। क्या बच्चों के बगैर हमारी लाइफ अच्छी नहीं है? इतनी कंफर्टेबल लाइफ है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिला वजह अपने कंधों पे डाल के अपनी जिंदगी खराब और बर्बाद कर लें। ना अरसा हो गया समीर। तुम्हें बच्चे चाहिए क्यों मुझे ये बताओ, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी 4 साल हो गए हमारी शादी को, मैं तंग आ गई हूँ लोगों के जवाब दे दे के बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। वैसे मुझे ये स्टूपिड लॉजिक की बिल्कुल कोई समझ नहीं आती, लोग पागल हैं, जाहिल हैं, बेवकूफ हैं, कभी किसी को खुश नहीं देख सकते हैं, तुम उनकी बातें मत सुना करो बस। लेकिन आज नहीं तो कल, मेरा मतलब है बच्चे तो होंगे ना। अब ना तुम मुझसे इतनी बहस करती क्यों हो? एक बार बात हो चुकी हुई है, तुम डेली इस टॉपिक को यू ब्रिंग इट अप, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बहुत सुन ली बस, अब बंद करो अपनी बकवास, आवाज नीचे करो। ये समझता क्या अपने आप को? आंखों में डाल के बात करेगा? हां इतना मैं तो चेक नहीं, किस बात का क्या समझता तू अपने आप को? मुझे एक दफा नशा ही आया, नोई है तेरा, बुढ़ा है तुझसे कुछ बहन का लिहाज कर ले। यार इसीलिए लेके आते हो जलील कराने के लिए? कसम से चाचा मरहूम का ख्याल ना होता तो आज इसे तलाक दे देता मैं। बस कर दो साहब, बस कर दो।
खुदा के लिए चलो अंदर, क्यों तमाशा बनाया हुआ हमारा? ऐ समझा लो इन लोगों को, फालतू समझ के हल्का ले रहे हैं मुझे। भाई बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है, हट जाओ मियां खुदा के वास्ते, याद रखना बुरा वक्त किसी पे भी आ जाएगा, फिर बोलना मुझे। तुम क्यों चाहती हो कि बच्चा आए ही तो हमारी जिंदगी मुकम्मल? समीर तुम क्यों भागती? बच्चे तो अच्छे होते हैं। गौर से काम ना, ये कोई टीवी कमर्शियल नहीं है कि बच्चे अच्छे होते हैं। जी मिसेस समीर, आप वाकई अबॉर्शन चाहती हैं? जी मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। टेस्ट करवा लिया आपने? हाँ जी, ये ले। डॉक्टर सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। प्रेग्नेंट है आप? बहुत मुबारक हो आपको, आइए मेरे साथ। अच्छी न्यूज़ है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I'm so happy for you. मुझे भी आज ही पता चला, मैं अभी तो डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। आप इधर देखें जरा, ये क्या बात हुई? इतनी खुशी की बात है और आपने ये उदास चेहरा क्यों बनाया हुआ है? आपको बताए मैं तो एक्साइटमेंट से इतनी खुश हो गई हूँ, आप मुझे संभालने में जाओ। रिदा ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई फिल्म नहीं चल। फिल्म से याद आया मेरा कैमरा का है, वी शुड रिकॉर्ड दिस मोमेंट, मैं एक मिनट में लेकर के आई। स्टे हियर ओके रिदा, आप स्टे हियर। कैसे आई? समीर छोड़कर गया है या फिर रक्षा पे आई? तबीयत कैसी है तुम्हारी? रिदा बता रही थी कि तुम बीमार हो गई। जी अब ठीक हूँ मैं, एक्चुअली मम्मी। इसीलिए तो कहती हूँ मैं तुमसे कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें नौकरानी बना के रखा हुआ है, बीमार तो हो रही है तुमने। ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, समीर मेरा बहुत ख्याल रखता है। हाँ हाँ वाकई में समीर तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, फुटपाथ से घटिया से कपड़े खरीद कर दे देता है, अगर बीमार होती हो तो गली के सस्ते से फटीचर से डॉक्टर के पास ले जाता है, या फिर कहीं जाना हो तो रक्षा और टैक्सी के पैसे दे देता है। यही ख्याल रखता है ना तुम्हारा? इन मर्दों के पास एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत से तरीके होते हैं, कभी मोहब्बत के नाम पर और कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की शक्ल में। एक बीमार रिश्ते के साथ क्यों रह रही हो? शक्ल देखिए अपनी, गौर किया है कभी बीमार लगने लगी हो? मैं ठीक हूं। सुनो मैं तो अभी भी कहती हूं कि डिवोर्स ले लो, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी, शक्ल सूरत की भी ठीक ही हो, एक से एक रिश्ते मिल जाएंगे। तो मेरी बातें ही बहुत बुरी लगती हैं। कैसे बात करूंगी? बात तो दूर की बात है, उसको फेस कैसे करूंगी? पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। हेलो ये तुम्हारे चेहरे पे इतनी हवाइयां क्यों हो रही? नहीं बस तुम अचानक अंदर आ गए ना इसलिए। ओह आई एम सॉरी, अगली दफा मैं पता क्या करूंगा, मैं ना दरवाजा नॉक करूंगा, आपसे इजाजत लूंगा फिर एंटर होऊंगा। इज दैट ओके? अब ऐसी भी कोई बात नहीं, बात का पतंगड़ तो ना बना,
बात का बतंगड़ तो तब बना जब पता चले कि बात क्या है। नहीं कोई बात नहीं। कोई बात तो है? नहीं ऐसी आज देर होगी तुम्हें। हाँ यार वो एक छोटी सी इमरजेंसी होगी उसकी वजह से देर होगी। इमरजेंसी? खैरियत क्या हुआ? मेरा कॉलीग नहीं है अदनान। हाँ। याद है उसकी बेटी की पैदाइश पे उसकी बीवी से भी मिले थे हम। हाँ। यार उसकी बेटी जो है ना 3 महीने हो गए अभी तक बीमार रहती है, डेली अस्पताल के चक्कर लगते हैं और आज तो इंतहाई होगी। वो अब कैसी है वो? वो तो ठीक है लेकिन बाप की हालत खैर होगी। इतना लंबा बिल हॉस्पिटल वालों ने पकड़ा दिया, मेडिकल अलाउंस ऑफिस का पहले यूज कर चुका है वो। तो तुम हेल्प कर देते ना? इसीलिए तो गए थे, सारे दोस्तों ने मिलकर उसका बिल क्लियर किया। शादी को उसके 2 साल हुए नहीं है और दूसरा बच्चा पैदा कर दिया। मैंने तो ठीक क्लास ली थी उसकी, मैंने कहा यार क्या तुम बच्चों के चक्कर में पड़ गए हो, अपने करियर पे ध्यान दो फोकस करो, लेकिन नहीं बात मानी। अब बच्चे भी हैं और भर वक्त रोने वाले हालात भी, भुगते अब बैठ के और क्या। लेकिन बच्चे बीमार हैं उनमें माँ बाप का क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की मर्जी है। भाई मैं तो ये बेवकूफ़ी नहीं करने वाला, हम तो पूरी प्लानिंग से चलेंगे। इतनी जवानी में बच्चे पैदा करके कोई जिंदगी खराब थोड़ी करनी है, बंदे को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। अभी क्या मुसीबत है, पूरे 6 महीने रहते हैं अभी मेरी मंगनी में और आप अभी से बाजारों के धक्के खिलवा रही हैं। तुम तो ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हारी मंगनी नहीं हो रही मेरी हो रही है। ठीक है मत करो शॉपिंग। मैंने ये थोड़ी बोला कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि इतनी जल्दी क्या है, बाद में पता नहीं क्या सिचुएशन हो। और अभी मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि अभी आपको एग्जर्शन नहीं लेनी चाहिए। आप रहने दें बस घर चले, मैं खुद कर लूंगी अपनी शादी की सारी तैयारियां। हाँ हाँ भला आपकी और बेबी की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है मेरी मंगनी। बल्कि आप सब छोड़े आप ही ये बताएं कि आपने समीर भाई को बताया बेबी का, वो कितना खुश होंगे ना? उसे खुश नहीं होना मुझे पता है। क्यों? भला ये उनका बेबी नहीं है, बाप बनने पे कौन खुश नहीं होता? आप ही समीर, समीर को बच्चे नहीं चाहिए। समझ नहीं आ रही कि मैं उसको ये बात कैसे बताऊं। कैसे बताऊं? मतलब आपने अभी तक उनको बताया ही नहीं, आप ही उनको फौरन से बता दें, ऐसा ना हो कि वो बाद में उल्टा और नाराज हो जाए कि उनसे इतनी देर तक छुपा करके रखा। क्या करूं रिधा क्या करूं? उन्हें कोई हिंट दें, कमरे में पोस्टर लगा लें बेबी का। बल्कि सब छोड़े काम करें, वो जब भी आपके पास आकर के बैठे करें ना, आप फौरन से उठ के भाग जाकर वॉमिट करने के लिए, वो खुद ही समझ जाएंगे। कैसा एक्सट्रीमली स्टूपिड आइडिया, उनसे यही उम्मीद है। फिर आप कुछ भी करें लेकिन उन्हें बता तो दें, वरना वो बाद में उल्टा और नाराज हो सकते हैं। आप ना कुछ नहीं समझती हो, मेरी बात तो कोई मानती नहीं हो। थैंक यू। तुम्हें क्या नहीं वाला? पता नहीं क्यों आजकल सर में दर्द रहने लगे। दवाई ला? ठीक है सर। नाराज हो? एक बात बताऊंगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी जो हमारी जिंदगी है इसमें किसी चीज की कोई कमी है? मुकम्मल है ना, तो तुम क्यों चाहती हो कि बच्चा आए ही तो हमारी जिंदगी मुकम्मल? समीर तुम क्यों भागते? बच्चे तो अच्छे होते हैं। तो गौर से काम ना, ये कोई टीवी कमर्शियल नहीं है कि बच्चे अच्छे होते हैं। प्लीज वाई डू यू ऑलवेज हैव टू टॉक अबाउट वन थिंग? क्यों मेरा मूड तुम स्पॉइल करती हो? जब भी तुम्हारे पास आओ तुम्हारे पास एक ही टॉपिक होता है, बच्चे 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 बच्चे। ये बातें करके क्यों हम दोनों के दरमियान फासले बढ़ा रही हो तुम? क्यों मुझे बताओ? फासले? फासले कहाँ से आ गए?
बच्चों के बाद तो मियां बीवी और करीब आ जाते हैं, तुम क्यों ऐसे सोचते हो? ओ भाई मैं ऐसे ही सोच, सही है या गलत मैं ऐसा ही सोच। और तुम तो क्या, कोई भी मेरी सोच पे पहरा नहीं लगा। Keep that in your mind. मैं आ रही हूँ जूस लेकर के। अच्छा जल्दी आओ। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुमने कोई चोरी की हो। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात? फिरदा ने बता दिया आपको, कोई पेट में नहीं रहती इसकी बात। तुम तो हर मामले से मुझे दूरी रखना चाहती हो, जानती हूँ मैं, लेकिन जैसी भी हूँ तुम्हारी माँ हूँ, अगर बता देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? आप खुश होती? तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होती। मैं कड़वी बात कहती हूँ लेकिन मेरी बात सच होती है, इसीलिए बुरी बनती हूँ। खुश तो वो भी नहीं होगा। नहीं समीर बहुत खुश है। तो फिर क्यों मुझ छुपाई फिर रही? क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाह रही हूँ, इसलिए अभी तक नहीं बताया। सरप्राइज वो तो तुम उसे दे ही रही हो। मम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? जिसकी खुशी का सम्मान कर रही हो ना, उसी से मुझ छुपाई फिर रही हो। मैंने कहा था ना तुम्हें कि ये मत। कहा तो आपने ये भी था कि मैं समीर के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। बहुत दफा रहती हूँ। ये भी तुम्हारे शौहर की एक चाल है, वो चाहता है कि बच्चों की मोहब्बत में तुम्हें इतना उलझा दे कि तुम्हें कुछ याद ही ना रहे। सारी जिंदगी बस बच्चे ही पालती रहना उसके, और कुछ मत करना जिंदगी में। अब कैसी है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र है सब अच्छा हो गया। हमारी तो जान ही निकल गई थी, और शुक्र है समीर भाई टाइम पे काम आ गए। अरे नहीं भाभी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो दोस्तों का फर्ज होता है। अरे नहीं, कोई किसी के काम नहीं आता, हर कोई अपना ही फायदा देखता है। कोई किसी के काम आ जाए ना तो वो वली से कम नहीं होगा। इतनी प्यारी जो है ये माशाल्लाह। इधर आओ जवान की कहाँ है? वैसे अपने पापा की तो बड़ी लाडली होगी। हाँ हाँ बहुत लाडली है, और ये तो इससे बहुत प्यार करते हैं। जब तुम पे ये टाइम आए ना तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, यही एक टाइम होता है अपने शौहर से सारी बातें मनवाने का। अब देखो सारा दिन इसी के पीछे फिरता रहता है और मुझे लिफ्ट ही नहीं है। वैसे तुम लोगों का क्या इरादा है? मेरा मतलब काफी टाइम हो गया है ना, तो हाँ वो अभी। भाभी आपकी बच्ची भी तो हमारी बच्ची जैसी है ना, जब हमारा किसी से खेलने को दिल जाएगा तो हम इससे खेल लिया करेंगे, सिंपल। हाँ हाँ क्यों नहीं समीर भाई, आपकी अपनी बच्ची है। अरे यार तुम भी किनकी बातों में आ रही हो, इनको ऐसा कोई शौक नहीं है, इनको लगता है बच्चे होंगे तो ये कैद हो जाएंगे। क्या मतलब है समीर भाई, ऐसा है क्या? अच्छा कोई और बात करें ना, क्या बच्चों का टॉपिक लेके बैठ गए यार। चलें ठीक है टॉपिक चेंज करते हैं। किसी को मेरा ख्याल नहीं, ना मम्मी को, ना तुम्हें, ना किसी और को। मैं क्या चाहती, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे औलाद चाहिए या नहीं, किसी को इसका ख्याल नहीं। बस मुझे ही सबकी खुशी का ख्याल कर, मुझे ही पानी दे। जी
जी मिसेस समीर, आप वाकई अबॉर्शन चाहती हैं? जी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। अगर आप पर कोई प्रेशर है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ज़हनी तौर पर इस वक्त तैयार नहीं हूँ। क्या आपके हस्बैंड जानते हैं कि आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैंने उनको अभी तक बताया नहीं। खैर, आपको बताना चाहिए था, बहरहाल ये आपका ज़ाती मामला है। देखिए डॉक्टर, आप मुझे बस बता दीजिए कि ये हो सकता है कि नहीं। जी, आपका काम हो जाएगा, आप 50,000 रुपये काउंटर पर जमा करें। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर ने। उसको क्या पता कि हमारे क्या मसले हैं? मसले चाहे जो भी हो, इतने भी बड़े नहीं जितने आपने बना दिए। और फिर समीर भाई इतने जालिम भी नहीं हो सकते। तुम नहीं समझती, उसका ट्रस्ट टूट जाएगा मुझ पर। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बताऊं। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कोई एटम बॉम्ब फाड़ दिया हो आपने उनके ऊपर। आपको क्या हो गया है? आप ऐसी तो नहीं थी। शायद मोहब्बत इंसान को कमजोर बना देती है। मोहब्बत इंसान को हिम्मत और हौसला भी देती है, अगर आप इस एंगल से देखना चाहें तो। और फिर अगर समीर भाई की जगह रजी होता ना, तो कान के नीचे तो थप्पड़ लगा करके उसको एक खबर देती मैं। बस, किसी की जगह कोई नहीं लेता। और जब तुम्हारी शादी होगी ना, मैं तब पूछूंगी तुमसे। अगर शादी के बाद ये सब होता है ना, तो मुझे नहीं करनी शादी। अदीलाबाजी। हाँ, क्या हुआ? ये आपके बच्चे हर वक्त मेरे कमरे में ही क्यों पड़े रहते? मैं तो तंग आ गई हूँ, मैं अपना कोई काम ही नहीं कर सकती। ऐसा लगता है मेरा नहीं, उन्हीं का रूम है। वो बाहर पढ़ नहीं पा रहे थे, तंग हो रहे थे, थोड़ी देर बैठने दो ना शाजी अपने कमरे में। बहुत अच्छा तरीका है मुझको नजर रखने के लिए। मैं तो आया हूँ ना उनकी आया, मेरा रूम ही रह गया है मच्छर लगाने को। अच्छा अच्छा, चलो भेज दो, मैं बाहर बिठा दूँ। बड़ा एहसान होगा। शानी, फाइजा, चलो निकलो मेरे कमरे से। फाइजा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारे तो पेपर नहीं है कल, तैयारी नहीं कर ली? किसी को फिक्र ही नहीं है मेरे पेपर्स की। और शाजिया भाजी तो मुझे कमरे से निकाल दिया। और शानी, शानी को तो बस बहाना मिल जाए गलियों में घूमने का, इधर आई तो अम्मी ने रोक लिया। तुम्हें अपने अब्बा के गुस्से का पता है ना? आज उनके दोस्त आ रहे हैं दावत। जेब में टका नहीं है, मगर दस्तरखान पे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको अब्बा के फजूल तो जरूरी है, मेरे एग्जाम नहीं। मेरा वजह की बातें नहीं करो, चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। अच्छा बाजी, मैंने मुझे बताती मैं हेल्प करा देती। जाओ जाके शानी को देखो, कहा तो मेरे कमरे में जाके पढ़ो, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। ओके, क्या करूँ इस लड़की, समझती नहीं। शाजिया ने अपने कमरे में जगह दी हुई है, यही बड़ी बात। आज इनका बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगी तो मैं क्या कर लूंगी? इनका बाप किसी काबिल होता तो आज हम दूसरों के आसरे पर पड़े होते। अजी, दूसरे कौन? सब आपके अपने ही तो हैं, आपका हक है। पता है कितना, एक तो मियां सा, ऊपर से महके वाले भी बात बात पे जलील कराते रहते। अपना घर नहीं है ना? बच्चे तो नहीं समझते, वो तो उसे अपना घर समझते हैं ना। ये आपका ही घर, आपका अपना घर है। ये मेरे भाई का घर है,
बहन की खातिर उसने बहनोई और बच्चों को जगह दे दी है थोड़ी सी, पर कब तक? माशाल्लाह से समीर अब खुद बाप बनने वाला है, अपने बच्चों की फिक्र करेगा या मेरी? गुनाहों के अड्डे पे जाए। मुझे हैरत है कि आपको पता नहीं है कि आपकी बीवी 3 महीने प्रेग्नेंट। तुमने मुझे अपने आप से बहुत दूर किया, अपनी इज्जत और अपनी खुशी की वजह से।